नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत और मैं हूं मनीष कुमार झा। आजकल जैसे जैसे वैज्ञानिक आगे बढ़ रहे हैं, शोध हो रहा है, लोग भूत को नहीं मान रहे हैं, भूत पिशाच से विश्वास उठता चला जा रहा है। परंतु वैज्ञानिक ने भी माना है कि निगेटिव एनर्जी होता है जिसका प्रभाव समाज में देखा जाता है। अनेक जगह मान्यता है, या उसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं, कि लोग एक जगह जाने से डरते हैं। उसमें से एक धनबाद का यह जगह है जो पीछे आप देख रहे हैं, यह आज खंडहर हो चुका है। एक समय था जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, उस समय लोगों में उत्साह था कि यहाँ भी एक भव्य घर बनेगा, विद्यालय बनेगा और इसका आने वाले समय में लाभ लोग ले पाएंगे। परंतु स्थानियों से जो मैंने बात किया है, जो दंत कथाएं चल रही हैं, कि जिस समय यह बन रहा था उस समय यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, यूं कहें हत्या हो गई, उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, जिसका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं कि यह बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है यह अभी अधूरा पड़ा हुआ है और इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता है। स्थानियों ने कहा है कि जब लोग यहाँ कोई आते हैं तो उन्हें भय लगता है, 5 बजे शाम के बाद यानी अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ से एक अजब की आवाज आती है जिससे सुनकर लोग डर जाते हैं, और वह रोने की आवाज है। रोता कौन है अभी तक किसी को यह पता नहीं चला है, परंतु रोने की आवाज सुनकर लोग परेशान रहते हैं। स्थानियों का कहना है कि जब यहाँ कुछ लोग साहस जुटा कर आते हैं ताकि रो कौन रहा है, तो वह अदृश्य हो जाता है, आवाजें बंद हो जाती है। कुछ स्थानीय भी हमारे पास है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद आपको हम ले चलेंगे और पूरा इसका हम दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या रहा है। एक ऐसा इसमें घर है, एक ऐसा कमरा है जो चारों ओर से पैक है, कहीं से ना दरवाजा है। परंतु जब समय बीतता चला गया और भू धसान हुआ है तो लोगों को कुछ उसमें मार्बल दिख रहा है, वहां से भी एक अजब की आवाज आती है। क्या है हकीकत, स्थानीय हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में। जी बताएं क्या कहा इसके बारे में। जी पहले तो यहाँ पे जब भी आप शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे आना, एकदम सा लोगों में डर माहौल उत्पन्न हो जाते, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि रोने का आवाज़ आया, जो कि बगल किनारे बहुत सारे लोग यहाँ पे रह भी रहे, लोग यहाँ पे आश्रय भी है, तो बहुत से लोगों ने देखना चाहा कि आखिर भाई रोने का आवाज़ है तो क्या है मजरा। लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं तो देखता है कि कोई नहीं, किसी के कोई आहट नहीं है, लेकिन जैसे फिर वो जाते घूम के फिर रोने का आवाज़ यहाँ पे आवाज़ आने शुरू हो जाती है। और तकरीबन 5 बजे के बाद से तो यहाँ पे रोजाना हर दिन यहाँ पे आना, एकदम लोग कोई लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे अजीब सा माहौल रहता है, अजीब सा डर का माहौल रहता है। कई बार तो यहाँ पे सांप, इतना सारे सांप यहाँ पे गिरे, वो सांप जैसे ही जमीन पे गिरते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। आप बताएं, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इतिहास बताएं कि कैसे निर्माण कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इसे पूरा भी नहीं किया जा सका। तो जो लोग बोलते हैं, आपके बड़े होंगे वो लोग बताते होंगे, तो क्या रहा है इसके बारे में, थोड़ा कहानी बताएं दर्शकों को। मुझे उतना तो पता नहीं इसके बारे में, पर हम जब से देखे यहाँ पर खंडर है। आखिर डर क्यों लगता है, जो आपको बताया गया होगा, आखिर डर का कारण क्या है, जो रोने का आवाज आता है, क्या कभी आपने भी सुना है या सिर्फ लोग जो कहते हैं वही सुन रहे हैं? मैंने भी सुना है कि औरत का आवाज आता है रोने का, पर जैसे जाते फिर कुछ गायब हो जाते और आवाज नहीं आता, तो फिर चले जाते हैं तो फिर आवाज आता है, फिर आवाज आना शुरू हो जाता है। ये कितने बजे शाम के बाद प्रारंभ होता है? ये लगभग 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद प्रारंभ हो जाता है। और दिन में कुछ ऐसी हलचल? दिन में तो कुछ ऐसी नहीं। अब जो स्थानियों ने बताया कि शाम यानी जब अंधेरा होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद से प्रारंभ होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा, हमारे साथ कैमरामैन है, हम थोड़ा चढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो जगह, वो कमरा जो चारों तरफ से पैक रहा है और जो धसान हुआ है, तो उसमें छोटा सा आप देख पाएंगे वहां से कुछ छोटा सा जगह बना है, यहाँ से कुछ मार्बल दिख रहा है और यहाँ एक
अजीबोगरीब आवाज आती है जिससे लोग परेशान रहते हैं। तो परिजन बताए कि वहाँ पे मस्जिद हमें वहाँ पे जाना उचित नहीं, क्योंकि उनका डर है कि वहाँ पे जाने से अगर कुछ बोलने से किसी के साथ, कई बार ऐसे लोगों के साथ अनहोनी भी हुआ है जो इसके बारे में चर्चा किया है। तो परिजन रोक रहे थे कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जाना उचित नहीं है। अभी भी देखिए, जो स्थानियों का मान्यता है कि यदि आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो निगेटिव एनर्जी है जिसे आत्मा कहा जाता है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए और जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो मना करते हैं कि आप जाएं भले परंतु उसे डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो जगह। ये छोटा सा टूटा हुआ जगह है और यहाँ से जो एक आवाजें आती है, यह अजब तरह का आवाज होता है। अब क्या है पूरा हम चाहेंगे कैमरा मैन आपको दिखाते दिखाने का प्रयास करेंगे। दिन में आपको कुछ दिखाई यहाँ नहीं देगा, यदि आप दिन में आते हैं तो बस यही सुनसान जगह आपको दिखाई देगा, इसके अलावा आपको यहाँ कुछ दिखने नहीं जा रहा है। अब हम आपको एक एक कर दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा है पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा रहा है और इतना खूबसूरत जगह धनबाद के जीटी रोड से मुश्किल से 1 किलोमीटर के दूरी में यह जगह बसा है। बावजूद इसके इसका यह बदहाली यह बताता है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे भले वैज्ञानिक ना मान रहा हो परंतु स्थानीय इतने भयभीत है कि यहाँ आने से डरते हैं। जो कुछ कहना चाह रहे थे आप जी बताएं। अभी जो आपने जो कमरे के बारे में बताया, लोगों का कहना ऐसा मानता है कि इसी कमरे में शायद हत्या करके रखा गया था जिसमें से चारों तरफ से उसको पैक कर दिया गया था और इसकी आत्मा अभी भी यहाँ पर, ऐसा कहना, क्योंकि इसीलिए इस कमरा को अभी तक खोला नहीं किया। वो तो भूकंप के चलते शायद कुछ हुआ जो यहाँ पे धंसा है, नहीं तो इसको अभी तक खुला नहीं गया, ऐसा कहना ग्रामीणों का। अब आगे आइए आपको दिखाते हैं। इन्होंने जो कहा इस पर थोड़ा सा विश्वास तो हमें करना ही होगा क्योंकि कमरा चारों ओर से पैक है, कमरे में कुछ है नहीं, तो आखिर इसे पैक क्यों किया गया था। तो जो स्थानीय मान रहे हैं कि इसे पैक इसलिए किया गया था कि इस क्रम में घटना क्या थी वो पूरी जानकारी तो सबको नहीं है, लेकिन जो स्थानीय कहते हैं कि हत्या करके किसी को यहाँ डाल दी गई थी और वो आत्मा आज भी रात में आवाज देती है, एक महिला की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, लगातार लोग बता रहे हैं। तो आइए हम आपको और दिखाते हैं स्ट्रक्चर कितना सुंदर रहा है इसका, बावजूद इसके यहाँ कोई आने से डरते हैं, काम में नहीं आते हैं, आखिर इसका कारण क्या रहा है आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए टूट कर ये बिखर चुका है, पुराना है, बहुत पुराना है और करना भी मुश्किल है यहाँ। हम चाहेंगे कि आप उधर से आ जाएं क्योंकि करना थोड़ा सा कठिन है। हमारे साथ भी है जो मदद कर रहे हैं, हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं स्थिति क्या है, करना भी कठिन है जैसे देख रहे हैं हमारे साथ ही है। अब इसके खर्च का अगर हम बात करें तो इतना पुराना होने के बावजूद भी देखिए नीचे मार्बल लगाया गया था और एक समय था जो इसका जो खंडहर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है, एक समय ऐसा रहा होगा जिस समय की यह चमक रहा होगा, लोग यहाँ विश्वास कर रहे होंगे, लोग यहाँ मगन से रह रहे होंगे, परंतु अभी का जो स्थिति है वो ऐसा है कि शाम में आने से लोग डरते हैं। कुछ अब जो एक मान्यता है कि यहाँ एक सांप है और जब लोग उसे खदेड़ते हैं तो वो अदृश्य हो जाता है, तो लोगों का मान्यता यह है कि वह जो सांप है हो सकता है कि यहाँ जो आत्मा वास करती है उसी का स्वरूप हो। अब हकीकत क्या है यह तो नहीं कह सकते हैं, परंतु आज अगर अभी हम दिन में भी आए हैं, उजाला है, बावजूद इसके भय तो लग ही रहा है, रोआ पूरा खड़ा हो गया है क्योंकि जो कहानी सुनते हैं तो हम भी नहीं चाहते हैं कि जो यहाँ निगेटिव एनर्जी है, आत्मा है, वो डिस्टर्ब रहे, परंतु आज के दौर में भी ऊपर में क्या है
1997 में सूरज नाम से ये बना है। और कहाँ है, कहाँ है वो थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ 1997 में यह बनना प्रारंभ हुआ था। और इस मिट्टी के बारे में भी लोग बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग रहा था। और देखिए ये छत है, यहाँ से सीढ़ी है जहाँ से हम जा सकते हैं। और अलग अलग जो कहानी है वो हम लोगों के सामने आ रहा है। हेलो, अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, लोग बताते जा रहे हैं इस खंडहर के बारे में। एक समय ऐसा रहा होगा जिस समय लोग यहाँ रह रहे होंगे। और बहुत पुराना तो नहीं है, ये देखेंगे किसी ने जो बनाया था। हम चाहेंगे कि हमारे साथी दिखा दे। सूरज और 1997 यहाँ लिखा हुआ है। जो अंतिम बार इसको मॉडलिंग किया गया, बनाने का प्रयास किया गया, वह 1997 का समय था। ये दोतल्ला बिल्डिंग है, परंतु अभी यहाँ किसका बात रहा होगा यह आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग और रहने वाला कोई नहीं। अभी आप दिन में भी अगर आएंगे तो आपको भय लगेगा। हम इसलिए यहाँ पहुँच पाए हैं क्योंकि कुछ स्थानीय हमारे मदद कर रहे हैं। लगभग हम चाहेंगे दिखा दें, हम लोग 10 की संख्या में हैं। यहाँ बहुत सारे स्थानीय हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। जब लोगों ने सुना कि हम लोग आ रहे हैं, JK 24/7 की टीम आ रही है, तो ये जो छोटे बच्चे हैं ये लोग भी हमारे साथ आ गए हैं, क्योंकि पहले यहाँ आ नहीं सकते थे। देखने में तो आपको लगता है कि जरूर किसी ने प्रयास किया था कि अपने के लिए ही बनाया जाए, पर तो स्थिति जो आप देख रहे हैं वो स्थिति भयावह है, डरावना जरूर है। जब दिन में आपको भय लग रहा हो, जब दिन में आप हिम्मत ना जुटा पा रहे हो यहाँ आने का, तो आप समझ लें कि इस जगह पर कुछ ना कुछ जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार जरूर हो रहा है। स्थानीयों ने अनेक बार प्रयास किया यह जानने का कि रोने का आवाज किसका है, वह कौन है जो रोती है। यहाँ के जो फकीर हैं उन्होंने प्रयास किया, परंतु अभी तक किसी को यह पता नहीं चला है कि रोने का आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ लोग बता रहे थे कि हो सकता है कि डराने का प्रयास किया जा रहा हो, परंतु जब आप यहाँ स्वयं पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा यह कुछ तो हकीकत यहाँ जरूर है। नहीं तो इतना सुंदर बना हुआ महल इस तरह से वीरान क्यों होता, इस तरह खंडहर क्यों बन गया होता। जो बनावट है आप देख लें तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी कमजोर या गरीब लोगों ने बनाया होगा, जिससे कि पैसे के अभाव में उन्होंने छोड़ दिया। आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि जरूर कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद से उन्हें भी अपना पैर खींचना पड़ा और आज यहाँ बसेरा है, अंधेरा है। और स्थानीय जितने मुंह उतने जुबान, उतनी कहानियां सुनने को मिली है। जो दिलचस्प कहानियां रही वो यह कि स्थानीय लोग यहाँ आने से अभी भी डरते हैं, और जो रोने की आवाज आ रही है यह एक रहस्यमय चीज है जिसके बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम दूसरी जगह भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है वहाँ की सच्चाई, क्या है मान्यता, लोग क्या विश्वास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कार्तिक गोस्वामी के साथ मुझे मनीष झा को दीजिए अनुमति।